जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि 425 पद पर यह निकाली गई है जिसके फॉर्म आप 23 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। जनरल ओबीसी को यहां पर अप्लाई करने के लिए ₹300 फीस पे करनी होगी और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। तो आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड ये जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर यह वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर आइए और न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर दे देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे बिना 0 और +91 लगाए, यानी कि सिंपल 10 अंकों का नंबर डाल देना है। एंड अगर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल के अंदर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, इन जानकारी को चेक करेंगे जो कि आपने यहाँ पर भरी है। एंड इसके बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आपने अभी ईमेल आईडी और आपका नंबर डाला तो उसमें जो अल्टरनेट ईमेल एंड जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन था वो दोनों कंपलसरी है। मैंने जब बाद में देखा रजिस्टर करते समय तो दोनों को देना अनिवार्य है। तो आपकी जो सेकेंडरी ईमेल है वो भी डाल दीजिएगा, कोई दूसरा नंबर है मोबाइल का वो भी आप डाल दीजिएगा। देन गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कैंडिडेट लॉगिन का, जहां पर अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप मोबाइल या ईमेल के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। अगर ईमेल तो आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन आप लॉगिन विद ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी ईमेल या नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके कंफर्म करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहां पर देखने को मिल रहा है चूज फाइल का ऑप्शन, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपका फोटो अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगा। देन गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर देखना है आपकी पर्सनल डिटेल, तो आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पर अपना नाम एंटर करता हूं। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आता है गार्जियन टाइप, तो आपको बताना है फादर या फिर हस्बैंड, तो मैं यहां पर फादर सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया है उनका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर जो आपकी माताजी है उनका नाम भी आपको एंटर कर देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अगर आपकी माइनॉरिटी है इनमें से कोई तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे और नेशनलिटी के अंदर आपको यहां पर जो सेलेक्ट करना है वो है आपका इंडियन। इसके बाद में यहां पर आता है डोमिसाइल स्टेट, तो आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, परमानेंट आपका निवास है स्टेट, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहां पर ये सेलेक्ट करता हूं। फिर आता है इज रियोट विक्टिम, क्या आप जो दंगा होता है उसके विक्टिम है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में आपको यहां पर क्या करना है, आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, देन ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप गो टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मेलिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो आप एंटर करेंगे। तो मेलिंग एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है आप यहां पर लिखेंगे, लैंडमार्क अगर कोई है तो आप यहां पर लिख दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद में यहां पर जो आपकी सिटी है उस सिटी का नाम आप एंटर करेंगे, और देन आप यहां पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको एंटर करना होगा। एंड जो आपकी कंट्री है वो बेसिकली इंडिया होगी, ये आप इसको
सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर आपको आपका पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस, यानी कि जो आपने ऊपर भराई है आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो अगर दोनों सेम है तो आप टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद गो टू प्रोफाइल पर क्लिक एंड देन फिर आप फिल अकाउंट डिटेल्स के सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, तो अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, बैंक नेम यानी कि कौन सा बैंक है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। फिर आता है ब्रांच नेम, तो ब्रांच कहाँ पर है वो आप यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे और ब्रांच सिटी कौन सी है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर मेन जगह पर है वो आप लिखिएगा। इसके बाद में अकाउंट नंबर आपका क्या है और FSC कोड है, जो कि आपका FSC कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, वो आप FSC कोड यहाँ पर लिखिए एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पर दिया है पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स और ऐड न्यू रिलेटिव, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर पावर ग्रिड के अंदर आपका कोई रिलेटिव काम करता है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव और उसकी पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन के अंदर लिखेंगे कि किस पोस्ट पर वो काम करता है, एम्प्लॉई नंबर जो कि 8 डिजिट का होता है वो आपको लिखना होगा, किस जगह पर वो पोस्ट है उस पोस्टिंग की लोकेशन आपको लिखनी है, रिलेशन आपका उनके साथ में क्या है जो भी रिलेशन है वो आप लिखिएगा और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है डायरेक्टर एम्प्लॉई जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जानकारी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड इसके बाद में आप यहाँ पर गो टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस जो ऑप्शन है इसको एक्टिव देखेंगे, तो यहाँ पर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पर देखेंगे नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। के बाद में यहाँ पर गाइज आपको रिक्रूटमेंट फिल्टर में आकर के सिलेक्ट कंपनी के ऊपर क्लिक करके पावर ग्रिड सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपका जो सिलेक्ट रीजन है इसमें आपको आपका जो रीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है आप देख सकते हैं, पोस्ट आईडी 328 रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी यहाँ पर आपको ये दी गई है। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है, बट आपको देख लेना है कि आपको किस में अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, फिर यहाँ पर आपका सिविल है नॉर्थन रीजन के अंदर, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद में जो जानकारी अभी आपने यहाँ पर भरी है प्रोफाइल की वो आप देखेंगे और अभी आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। इसके बाद में क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल किल्ड इन सेवरली डिसेबल्ड इन एक्शन डिटेल्स, अगर आपका कोई सर्विस के दौरान आपके उसकी डिपेंडेंट की मृत्यु हुई है या फिर वो डिसेबल्ड हुआ है जिसको डिसेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉई डिटेल के अंदर इज वर्किंग इन पावर ग्रिड, अगर आप पावर ग्रिड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन यहाँ पर आता है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको इसमें भी नो कर देना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्राइब डिटेल, तो ये आपके सामने एक्टिव नहीं है। अब आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके बाद में गाइज आपकी जानकारी सेव हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन है, आप ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर एक सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन टाइप में आना है और एजुकेशन टाइप में यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन टाइम, तो डिप्लोमा में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें उसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर यहाँ पर आएगा आपका डिसिप्लिन टाइप, तो जैसे ही वेबसाइट अपडेट हो जाए तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन टाइप में क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए कि किसके अंदर आपका डिप्लोमा है एंड इसके बाद में यहाँ पर फिर से वेबसाइट अपडेट होगी। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। वीडियो लॉन्ग हो रही है क्योंकि वेबसाइट काफ़ी स्लो वर्क कर रही है। तो यहाँ पर गाइज आप आएंगे और देखेंगे कोर्स टाइप, तो आपको कोर्स टाइप में फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज और मार्क्स है वो आपको एंटर करनी है, टोटल परसेंटेज आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और ये डालने के बाद में यहाँ पर आपकी डिवीजन क्या है फर्स्ट सेकंड वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपका कोर्स फ्रॉम यानी कि कब से आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में आप यहाँ पर मंथ और फिर यहाँ से डे, कब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे।
आप यहाँ पर इस तरह से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और यहाँ से डे, और इसके बाद आपको बताना कि कहाँ से आपने किया है। आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो आपके इंस्टीट्यूट है उसका नाम देना होगा, तो जहाँ से भी किया है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद में इंस्टीट्यूट का नाम देना है, तो अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो दोनों में आप यूनिवर्सिटी का ही नाम दे देंगे, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई और है और आपका इंस्टीट्यूट कोई और है तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस डिटेल, तो प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप फर्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है और लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर देंगे, फिर आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है अपलोड DOB सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जानेंगे कि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर PDF का रखा है, माफ़ी चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट PDF का है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कीजिए और इसको जैसे कि मैंने कहा कि PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है तो अपलोड DOB सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है आपका वो आपको अपलोड करना है, यानी कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, फिर अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। देन गाइज आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। अगर एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उसको PDF जो आपकी है उसमें आपको मर्ज कर लेनी है, क्योंकि इस बार आपको 10 MB तक का साइज दिया है, तो आपकी जो भी इमेज है मार्कशीट के वो आपको मर्ज कर लेने हैं, एक फाइल में बना लेना है PDF के, और फिर आपको यहां पर वो फाइल चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको भी अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूं। मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूं, तो हम यहां पर आते हैं और फाइल सेलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। देन आता है कैटेगरी और EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS या फिर SC/ST कैंडिडेट है तो आपको यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है एंड फिर यहां से आप इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके यहां पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आप यहां पर देखेंगे गो टू प्रोफाइल और गो टू एप्लीकेशन, तो आपको यहां पर अभी गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद में यहां पर जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप चेक करेंगे एंड इसके बाद में आप यहां पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपने जो जानकारी भरी है उनको एक बार फिर से प्रीव्यू करना चाहते तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड प्रोविजनली और योर एप्लीकेशन ID, आपको एक ID नंबर मिला, ये नंबर आपको नोट कर लेना है। अगर आप लोग SC/ST से इस फॉर्म को भरे तो कोई फीस नहीं है, बट जनरल OBC के लिए फीस है, तो आपको यहां पर अपनी फीस भी जमा करनी होगी। क्लिक हियर टू एप्लीकेशन डिटेल पेज फॉर पेमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कीजिएगा तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए इनको फीस नहीं जमा करनी है। फिर यहां पर क्लिक हियर टू प्रोफाइल, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन और क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म भरा है उसको डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपका सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहां पर प्रिंट रिज्यूम के ऊपर क्लिक करके इसको अभी अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो PDF के तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।